टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में बीती शाम अनूपशहर थाना क्षेत्र में एक सिपाही ने मामूली विवाद को लेकर अपने परिचित संजीत को एक के बाद एक दो गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में युवक को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है, जबकि आरोपी सिपाही व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही रमन यादव बुलंदशहर के अनूपशहर थाने में तैनात है। सिपाही पर आरोप है कि वह अपने साथी के साथ अपनी खराब गाड़ी को लेने अपने परिचित संजीत के पास गया था। संजीत के पास और भी कई साथी बैठे हुए थे कि तभी किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। और सिपाही ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से संजीत को एक के बाद एक दो गोली मार दी और आरोपी सिपाही मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना घायल संजीत के साथियों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत बिगड़ती देख पीड़ित को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। कांस्टेबल रमन यादव है, जो थाना अनूपशहर में पिछले माह की 24 तारीख से 24 मार्च से तैनात है। इसके पहले सिपाही जनपद सीतापुर में था। कल इसके पास एक गाड़ी है अपनी, उस गाड़ी से कहीं जा रहा था तो वो गाड़ी जो है जटपुरा प्रधान के सुगर फार्म के पास जो फतेहपुर का खड़ंजा मार्ग है वहाँ से ख़राब हो गई थी रात में। आज उस गाड़ी को लेने के लिए मिस्त्री के साथ गया हुआ था, साथ में इसने एक और अपने परिचित रजत चौधरी को साथ में ले लिया था। किसी बात पे वहाँ पे जो मौजूद संजीत और उसके साथ कुछ एक दो लोग और थे उनसे किसी बात पे विवाद हो गया, मारपीट होने लगी। इसके द्वारा अपनी निजी लाइसेंसी पिस्टल निकाल करके दो फायर किए गए और दोनों गोलियाँ संजीत जाट के पेट में लगी। अभियुक्त कांस्टेबल रमन यादव और इसका जो साथी रजत चौधरी था दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलहा जो लाइसेंसी पिस्टल है उसकी और खोखा कारतूस दोनों बरामद कर लिए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई निष्पक्षतापूर्वक कराई। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद आरोपी रमन व उसके साथी रजत चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल और खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।